मृत्यु तकदीर वाला है कि तेरे घर लड़की पैदा हुई है। लड़की देवी का रूप होती है, दुर्गा, लक्ष्मी, बीबी मरियम, बीबी फातिमा, ज़हरा, ये सब लड़कियां ही थी ना। और ये क्यों भूल जाता कि तुझे जिसने जन्म दिया तेरी माँ वो भी एक औरत थी। तो आज इसलिए रो रहा है कि भगवान ने तेरे घर में लड़की पैदा की है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे घर लड़की पैदा क्यों नहीं हुई। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। औलाद का माँ बाप के लिए कोई फर्ज नहीं है। अरे तुम जैसी औलादों को देखकर आज मुझे एहसास होता है कि मेरा बेटा कितना महान है। अरे सारी जिंदगी मेरे कहने पर जिंदगी गुजारता रहा, एक दिन भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारी उसने। जैसा मैंने कहा वैसे जीता रहा। मेरे उसूलों के खातिर न जाने अपने हजारों खुशियों को गला घोट दिया उसने, और मैं कितना मजबूर हूं कि अपने उसी बेटे के लिए आज कुछ नहीं कर पाऊं। विकी, ये हाथ मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए, अपनी गई हुई नौकरी की भीख मांगने के लिए नहीं छोड़े हैं, बल्कि एक प्रार्थना के लिए जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे बेटा, कि अपने बाप के अंधे प्यार का हाथ पकड़कर विनाश के रास्ते में कभी इतनी दूर मत चले जाना कि एक दिन तुम लौट कर आना भी चाहो तो तुम्हारे पिता भी वापस ला न सके। हराम की दौलत इंसान को शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है। इसलिए इस बात को मान ले, दुनिया के सामने ऐलान कर कि पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये बात तेरे काम आएगी, तेरे औलाद के काम आएगी, और हिंदुस्तान के बिगड़े हुए करोड़ों नौजवानों के काम आएगी, और उनके माँ बाप दिल खोल कर तुझे दुआएं देंगे बेटा, मान ले इस बात को। इस दुनिया में लाखों ऐसे बूढ़े हैं जो या तो अकेले हैं या बेमुरव्वत बेगैरत औलादों के बाप हैं, जो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं मगर उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। अनगिनत अपाहिज हैं जिनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर गरीबी और मुफलिसी के मजबूत हाथ उनके हाथों से वो किताबें छीन लेती है, वो पढ़ नहीं सकती है। ऐसी लाखों औरतें हैं जो बेवा हैं, जो काम करके अपना पेट पालना चाहती हैं मगर उन्हें काम नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन उन्हें अपना शरीर बेचकर इस पेट की अंगेठी में रोटी का कोयला डालना पड़ता है। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं मगर उसकी एक हद है, उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने गुमराह हो, कितने बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है। बेटे याद है ना मैंने तुझे बचपन में सिखाया था ये सब कुछ।